So yesterday we had done, हमने किया था conduction of nerve impulse through nerve fiber. और हमने इसमें मेन क्या किया था, दैट इज इट इज यूनिडायरेक्शनल. ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आ सकते हैं कि व्हाई इट इज यूनिडायरेक्शनल. एज फर्स्ट पॉइंट है, मेन है रिपोलराइजेशन takes more time than depolarization. Second है action potential या nerve impulse. Is received only by that part of nerve fiber which is completely polarized, having potential difference of -17. सरगम थोड़ा सा आपको याद आ जाएगा कि this portion A is still repolarizing, this B it is depolarized and is starting repolarization. इसमें repolarization start होने वाली है. And C, this is polarized. ठीक है, हो सकता है this is यहां पे जो potential difference है is, you know, more than -17 millivolts. ठीक है, that is such as -50 or -40 millivolts. ये है इसका potential difference. अभी क्या है, +45 millivolts. और इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है -17 millivolts. देयरफोर जो बी है इट ट्रांसमिट्स द इंपल्स टू सी एंड नॉट टू ए. इज इट ओके, क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है, ये कल हमने बताया था कि बी सी को क्यों देगा, क्योंकि ये पूरी तरह अभी रिकवर्ड ही नहीं है, ये काम करने लायक ही नहीं अभी हुआ, जबकि ये रेडी है भागने को कि मुझे दो मैं काम करता. तो बी किसको देगा, सी को देगा. एंड सो ये हमने कल किया. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है साइनैप्स. अब बात ये है कि ऑल्दो, ध्यान से मेरी बात सुनना, ऑल्दो न्यूरॉन्स आर
longest cells in our body. है तो सबसे बड़े, बट ऐसा नहीं है कि एक न्यूरॉन ब्रेन से चला और फुट तक पहुंच गया, ऐसा नहीं. बड़े तो है बट स्टिल वन न्यूरॉन ओनली कैन नॉट कनेक्ट सीएनएस with any other organ. Therefore, for communication, जैसे हम वो I don't know the game, उसका नाम क्या है, जैसे करते हैं ना कि एक ने उसको दिया, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया और वहां तक बॉल पहुंच गई, राइट? वो एक काम या जो भी कुछ पकड़ाते हैं कि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे. तो फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन सीएनएस एंड एनी अदर पार्ट ऑफ बॉडी many neurons are arranged in series for passing information from one to another neuron. ठीक है जी, बहुत सारे न्यूरॉन ऐसे ऐसे सीरीज में लगे हुए हैं. ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है. द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द एडजेसेंट न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज साइनेप्स. सो द पॉइंट ऑफ contact between adjacent neuron is called as synapse. हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिखूं, कितने टाइप के साइनेप्स है? टू टाइप के साइनेप्स है. टाइप्स ऑफ साइनेप्स, टू टाइप्स है, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल. यहां पे आपके दो साथ में घर है, आपने क्या किया, कुछ बनाया है और आपने जो है किसी को देना है. तो आपने क्या किया, फोन किया, उन्हें कहा कि बाहर आ जाओ और आपने खुद ही दीवार से उसको पकड़ा दिया, दैट इज इलेक्ट्रिकल. और केमिकल है कि नहीं, आपने अपने छोटे भाई बहन या किसी छोटे बच्चे को कहा कि जाकर ये कटोरी साथ वालों को दे के आओ, ये बाउल साथ वालों को दे के आओ. तो वो बच्चा भागा, गेट से निकला और फिर दूसरे गेट से आगे पहुंचा, दैट इज केमिकल साइनेप्स, राइट? Electrical synapse, it is quick. Chemical synapse, it is slow. Electrical synapse, in this, adjacent neurons very close to each other. केमिकल साइनेप्स में एडजेसेंट न्यूरॉन्स, आपने पूरा लिखना है एडजेसेंट, आर सेपरेटेड बाय फ्लूइड फिल्ड
स्पेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, आप सबने किया हुआ है, प्लस टू वालों ने वैसे किया हुआ, प्लस वन वालों को मैंने जब डिस्कस करवाया था तब बताया। अनदर इज इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, नो रोल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स। जैसे हम कहते हैं यहाँ पे किसी बच्चे के रोल की जरूरत नहीं, यहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे इट इज फाउंड रेयरली, जबकि इट इज मोस्ट कॉमन। ये रेयरली क्यों है जबकि ये क्विक है, सब कुछ है फिर भी, क्योंकि इसका जो मेजर डिसएडवांटेज है दैट इंपल्स कैन बी रिवर्स, जहां से आई दोबारा वहीं पे जा सकती है, जबकि इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शन। तो इसलिए हम कभी कभी कह देते हैं कि एक हमने गलती कर दी तो हमारे सारे जो है कामों पे जो हमने अच्छे काम किए थे उसका सारा पानी फेर दिया। बस यही काम यहाँ पर भी है, चाहे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बहुत अच्छा है, बहुत क्विक है, बट एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे गया, वो इतने क्लोज है कि दूसरा न्यूरॉन फिर पहले न्यूरॉन को भेज सकता है, ठीक है, तो बस वहीं पे ही ट्रांसफर करेंगे, फाइनली पहुंचेगा ही कहीं। जबकि केमिकल साइनेप्स हमेशा यूनिडायरेक्शनल है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, रिवर्सिबल नहीं है, एंड इज नॉट रिवर्स। That is why chemical synapse is better than, तो अच्छा अगर स्लो भी काम कर रहा है कोई बात नहीं, बट ठीक काम कर रहा है, एक्यूरेसी से काम कर रहा है। तो इट्स नॉट कि भाई हमने इतना सारा एक दिन में पढ़ लेना है, नहीं, जितना पढ़ो उतना अच्छी तरह से, इज इट ओके, ठीक है जी। तो ये पहले ये करो, फिर ये, फिर राइट, नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ केमिकल साइनेप्स। तो पहले तो आ जाइए कि टर्म साइनेप्स it was given by Sherrington, इसने term synapse दिया। Second है synapse can be, क्या हो सकता है, between axon of one neuron and dendrites of adjacent neuron। इस साइनेप्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सो डेंड्रेटिक साइनेप्स, axon of one neuron, you know, axon of yeah, axon endings, and dendrites, isme ye dekhiye so ye jo hai ek एक एक्सॉन एंडिंग और एक डेंड्राइट के बीच में जो कनेक्शन है, दिस इज एक्सोडेंड्रेटिक साइनेप्स, इसी को ही हम आगे मैग्निफाई करके दिखाएंगे।
This is most common. Most common synapse. There can be exosomatic synapse. Soma matlab cell body, that is between axon and cell body. Aap pura likh sakte ho axon of one neuron and cell body of adjacent neuron. Then there can be axonic synapse, that is between axon and axon. But the most common कौन सा है? Exodendritic synapse. तो अब हम ये देखें कि ये कैसा होता है. तो हम इसी structure को हमने modify किया है. ये nerve ending है and this is called as presynaptic nerve, right? And this is, you know, ये dendrite है. और ये जो इसकी मेम्ब्रेन है, हम थोड़ी सी डबल सी करके दिखा दें. दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है? There are present, you know, these are receptors. Iske receptors, neurotransmitter ke receptors. Kahan hai neurotransmitter jisko isne receive karna hai? Wo yahan pe present. These are, ये क्या है? Neurotransmitter vesicles. इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? There is a gap between these two. This is called as synaptic gap. क्या ये गैप खाली है? नहीं. And I told you this is filled with a fluid. ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है. फ्लूइड फिल्ड गैप दैट इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक प्लेट. यहां से क्या आ रही है? दिस इज इलेक्ट्रिकल इंपल्स या नर्व इंपल्स. एक ही बात है, करंट की वे में वो फ्लो करती है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल साइनेप्स. इट इज कमिंग इन द प्री साइनेप्टिक नर्व दैट ओपन्स अप. यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट. It opens calcium channels due to which calcium from extracellular fluid it diffuses inside.
दिस कैल्शियम इट बाइंड्स विद न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स ड्यू टू विच द न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स दे फ्यूज विद द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन and releases neurotransmitter that is cleft. Ye receptors hai. This neurotransmitter binds with the receptors aur jaise hi ye receptors ke sath bind karte hain to in membranes mein jo sodium channels hai वो खुल जाती ड्यू टू विच लॉट ऑफ सोडियम फ्लोज इनसाइड एंड द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन गेट्स डीपोलराइज्ड एक्टिव है ना सोडियम चैनल्स के कारण इनसाइड बिकम्स पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड बिकम्स नेगेटिव चार्ज या सो इन दिस वे द नर्व इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन तो हम जल्दी से मैं पॉइंट्स बता दूं फर्स्ट पॉइंट क्या है दैट इज नर्व इंपल्स रीचेस प्री साइनेप्टिक नर्व आपने पूरा लिख लिया यहां पे पहुंच गए ओपन्स कैल्शियम चैनल्स है ना आप यहाँ पे लिख सकते हो बता दिस दिस इज कैल्शियम चैनल फ्लो ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ईसीएफ इनटू प्री synaptic nerve इससे क्या हुआ कैल्शियम फ्यूजेस विथ न्यूरो नॉट फ्यूजेस हम कह सकते हैं कैल्शियम आयन अटैच्ड विथ न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स फ्यूजेस विद मेम्ब्रेन ऑफ प्री साइनेप्टिक नर्व इससे क्या हुआ रिलीजेस न्यूरोट्रांसमीटर इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड्स विद रिसेप्टर्स ऑन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड दिस कॉजेस ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और फिर क्या है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन गेट्स डीपोलराइज्ड
this is how the synapse occurs. Movement of impulse from one neuron to another neuron. अब बात आ जाती है एक और चीज मैं बताऊंगी फिर आप क्वेश्चन कि यहां से इधर से न्यूरोट्रांसमीटर निकला इसको एक्टिवेट कर न्यूरोट्रांसमीटर यहां से रिलीज होकर इसको दोबारा से भी तो एक्टिवेट कर सकता तो रिवर्स क्यों नहीं है अब क्या है न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स आई सॉरी ऑन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन हैव एंजाइम हम बताएंगे एंजाइम कौन सा है बट अभी हैज एंजाइम विच हाइड्रोलाइज अकबर की तरह से है ये विच हाइड्रोलाइज न्यूरोट्रांसमीटर सो दैट इट कैन नॉट रिवर्स द नर्व ऐसे कहा जाता है आई डोंट नो कि इसके अंदर कितना फैक्ट है कि जब ताजमहल बना उसके बाद अकबर ने उनके हाथ कटवा दिए ऑर्डर दिया था बट एक्चुअल में ये सुनने में आया था कि जो जिनको कहा गया था कि मजदूरों के हाथ काट दो उन लोगों को जो उसके अकबर के मंत्री थे ये मैंने कहीं पढ़ा है आई डोंट नो कि भाई वो उनको कहीं दूर ले गए थे और वहां उनको पैसा वैसा दे दिया था भी अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है बस इसके बाद तुमने कोई काम नहीं करना तो हाथ कटवा दिए या नहीं दैट आई डोंट नो ठीक है बट चले हम मान लेते हैं कि उनके हाथ कटवा दिए इसी तरह से ताकि वो दोबारा काम ना कर सके तो इसी तरह से यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर में एंजाइम है ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ बाइंड हुआ इमीडिएटली यहाँ पे सोडियम चैनल्स खुल गए इसका काम हो गया तो यहाँ पे एक एंजाइम है जो न्यूरोट्रांसमीटर को तोड़ देता है ताकि वो न्यूरोट्रांसमीटर इंपल्स को दोबारा ना ले तो न्यूरोट्रांसमीटर टूट के कहां जाता है कुछ तो एक्सक्रीट हो जाता है कुछ वापस प्री साइनेप्टिक लॉब में चला जाता है फॉर रीसिंथेसिस बट वो इंपल्स नहीं जनरेट कर सकता मतलब पहले जब तक टूटा हुआ है तब तक नहीं उसके बाद दोबारा से रीजनरेट होगा फिर न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स में आएगा फिर अपना पुराने वाला काम ठीक है सो नेक्स्ट हम यहाँ कि न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन से होंगे कौन से केमिकल्स हैं सबसे कॉमन है एसिटाइलकोलाइन दूसरा आ जाता है एपिनेफ्राइन या फिर नॉर एपिनेफ्राइन एक और आ जाता है डोपामिन अनदर इज सीरोटोनिन एक्सेप्ट बट मोस्ट कॉमन इज एसिटाइलकोलाइन मोस्ट कॉमन तो यहां पे मैंने आपको क्या बताया है हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम कौन से थे दैट इज एक है एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेस हाइड्रोलाइज एसिटाइल कोलाइन और एक और हम बताएंगे मोनोएमीन ऑक्सीडेज हाइड्रोलाइज
एपिनेफ्राइन एंड नॉर एपिनेफ्राइन। मेरी तरह से आपने कहीं भी एब्रीविएशंस नहीं लिखनी, प्रॉपर लिखना है। मेरे पास तो जगह की प्रॉब्लम थी, इस कारण मैंने एसिटाइल को लाइन एपी इस तरह से लिख लिया। यू विल राइट कंप्लीट, ठीक है जी। तो अब ये करो जल्दी से, आई होप नाउ इट बिकम्स क्लियर, ठीक है जी, करो।